अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? यकीनन इंशाल्लाह आप लोग सब बहुत ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियाँ नवाजे, रब्बुल इज्जत जिंदगियाँ दे, बच्चों को तमाम को सेहत अता फरमाए और तमाम बुरी बीमारियों से महफूज रखे। आज मैं ये अपनी वालदा की तरकीब से मैं माश की दाल बना रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीनन बहुत मज़े की बनती है। इसलिए मैं ये बना रही हूँ और ये देखें इसमें मैं डालूँगी लाल, ये देखें पहले ये लाल साबुत मिर्चें हैं, ये नमक है, ये गरम मसाला है साबुत, ये लहसुन है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये साबुत पड़ेंगी ये भगार के लिए और ये ऊपर वो करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी 10-12 लाल मिर्चें, बस जिसको जैसा फील होता है ना कि भाई ज़्यादा होनी चाहिए तो वो ज़्यादा डाल दे। ये देखें गरम मसाला तकरीबन दो टी स्पून है ज़ीरे समेत, ठीक है। ये आधा किलो माश की दाल थी जिनमें ये मैं चीज़ें डाल रही हूँ और ये देखें ये नमक डाल रही हूँ तकरीबन मैं 1.5 चम्मच ये डाल के, और ये मैं लहसुन डाल रही हूँ तकरीबन 4-5 जवे हैं, तकरीबन ज़्यादा ही हैं 5-6 जवे इतने हैं। और आप देखिए आप ज़रूर की ट्राई कीजिए और देखें अब ये पकने के बाद आप इसकी शक्ल देखिए बहुत खूबसूरत होगी और इसमें और कोई चीज़ नहीं डलती है। ये देखें मैंने चूल्हे पर रख दिया, अब ये चूल्हे पर रख के और अब इसको पकने दूंगी, बहुत जल्दी पकती है, बहुत देर नहीं लगती इसमें, और पकने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बन रही है और अभी इसको ज़्यादा हिलाते नहीं है क्योंकि ज़रा दाल कट जाती है, चमचा नहीं लगाना, तो पकने दें और तकरीबन कि इसको आधा 15-20 मिनट लगेंगे ये गलने में, इसके बिल्कुल ऐसी सफ़ेद दाल बनती है। ऊपर से जब मैं भगार दूंगी ना आप देखिए कितनी खूबसूरत और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत फेवरेट दाल है बहुत से लोगों की, आप देखिए कितने मज़े की होगी। जिस आप ख़ुद भी बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर भेजिए कि मैंने बनाई और बहुत अच्छी बनी, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग बनाएंगे और मुझे फिर भेजेंगे कि मैंने बनाई है बहुत मज़े की, मुझे बहुत खुशी होगी। चले ये फिर मैं आपको ढक देती हूँ, फिर ज़रा थोड़ी देर में फिर मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। आप ऐसा कीजिए देखें ज़रा, ये देखें थोड़ा पानी है, इसको पानी को रखना है इसलिए कि इसका पानी जो होता है ना वो ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, तो आप करके देखिए ज़रा पानी, अगर आपको ड्राई अच्छी लगती है तो आप ड्राई कर लें, लेकिन अगर ज़रा ज़रा पानी हो ना, वैसे भी ऐसे ड्राई हो जाता है। ये तैयार हो गई है दाल मेरी, अब बस मैं इसको भगार दूँगी फिर आप देखिए ज़रा तैयार हुई भी, बस मैं डोंगे में इसको निकालती और पहले मैं भगार तैयार कर रही हूँ। कर रही हूँ मैंने प्याज कर दी, डाल दी है इसमें मैंने रेड होने के लिए, और ये मैंने इसको मैं डोंगे में निकाल दी, कुछ इसमें भगार दे दूँगी फिर चीनी दे दूँगी, सॉरी ये देखें मैं इसमें ना ये डाल रही हूँ अदरक कटी हुई, और ये मैं डालूँगी पुदीना, ये पुदीना डालूँगी इसमें, हरा धनिया नहीं पड़ता इसमें, पुदीना ही पड़ता। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी वालदा की है, ये वालदा मेरी बनाया करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दी। ये देखें अब मैं ऊपर से भगार दूंगी इसको मैं, आवाज आनी चाहिए, हरी डाल चुकी है थोड़ी, ये मैं और डाल दूँगी ताकि बाकी आप लोग अपने जायका जैसे आपको पसंद है उस तरह आप डालिए। थोड़ी सी मैंने डाल दी क्योंकि भगार से पहले ज़रा वो मज़े की हो जाती है भगार डाल के,
अब मैंने बघार के बाद भी थोड़ी सी डाली। Please subscribe, like and share this video.